हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, बुल्गारिया जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है और अब एक शेंगन कंट्री भी बन चुका है, बुल्गारिया की टाइम टू टाइम बहुत सारी वैकेंसीज हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, साथ ही साथ सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करते हैं। तो दोस्तों, उसी क्रम में हमारे पास कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज आई हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपको बता दूं। देखिए, इस ब्लॉग में पहले तो मैं आपको बता रहा हूं जो लेटेस्ट वैकेंसीज आई हैं, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने आपको जो बुल्गारिया का कुछ और वैकेंसी शेयर किया था, तो उसको भी जो है मैं समराइज कर दूंगा। हो सकता है कि पिछला ब्लॉग आपने ना देखा हो बुल्गारिया का, तो आपका एक रिविजन हो जाएगा, आपको एक तरह से रिमाइंडर आपको मिल जाएगा, राइट। सो फ्रेंड्स, हमारे जो लेटेस्ट वैकेंसीज हैं बुल्गारिया के लिए वो हैं, हमें शेफ्स चाहिए, किचन हेल्पर्स चाहिए और क्लीनर्स चाहिए, राइट। एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है बुल्गारिया का, प्रोसेस मैं एक बार आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा होता है। आप अप्लाई करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट सही होगा तो हम आपका सिलेक्शन करा देंगे, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। हम आपको राइटिंग में प्रॉपर एग्रीमेंट करके देते हैं कि कितने दिन में आपको वर्क परमिट आएगा। जैसे आपका वर्क परमिट आ जाएगा, फिलहाल जो है VFS नहीं होता है बुल्गारिया का, ये ब्लॉग में शूट कर रहा हूँ September 2024 में, राइट। तो फिलहाल तो क्या होता है, वर्क परमिट आने के बाद में डायरेक्टली कैंडिडेट्स का हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं एम्बेसी में, राइट। और आप एम्बेसी जाते हैं, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स को शो करते हैं और कुछ ही दिनों में जो आपका वीजा स्टैम्प होकर आ जाता है दोस्तों, राइट। अब साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पिछले ब्लॉग में मैंने कौन सी वैकेंसी शेयर की थी बुल्गारिया की दोस्तों। तो ये हमें जो है बैटरी असेंबलर्स चाहिए, राइट। एक कंपनी है जहां पर बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उसके लिए हमें कुछ वर्कर्स चाहिए और इनका जो बेसिकली काम होगा वो बैटरीज को असेंबल करना होगा, राइट। और उस कंपनी में आपको काम करना होगा, डेफिनेटली आपको सिखाया जाएगा। और पिछले ब्लॉग में मैंने आपको ये बताया था कि आज की डेट में जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट इन इंडिया बट पूरे यूरोप में, हर जगह आप देख रहे हैं इस समय कि चाहे कार्स हो चाहे टू व्हीलर्स हो, हर एक चीज में जो है बैटरी वाले व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है और बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो इसी तरह की कंपनीज में आपने काम करना है, राइट। कंप्लीट डिटेल के लिए हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ लें, हमने वहां पर मेंशन किया है कि किस वैकेंसी के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या आपको बेसिक पे मिल रहा है। और उसके बाद आपने क्या करना है, वर्किंग आवर्स में आपने हमारी टीम को कॉल करना है 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे, ठीक है। देखिए, जहाँ तक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की वैकेंसीज की बात है, मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी कुछ दिन पहले ही हमने माल्टा की बहुत सारी वैकेंसीज आपके साथ शेयर की थी, बैक टू बैक हमने इंटरव्यूज कराए, बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हमने। ग्रीस की वैकेंसी शेयर की थी, उनके वीजाज भी आने लग गए, अगर आप टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमने देखा होगा, हमने 3-4 वीजाज शेयर भी कर दिए उसके। क्रोशिया की भी बैक टू बैक हमारे पास हॉस्पिटैलिटी की वैकेंसीज आई थी। तो हॉस्पिटैलिटी तो एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों कि चाहे गल्फ हो चाहे यूरोप हो, हमारे पास बैक टू बैक वैकेंसीज आती रहती हैं और साथ साथ फ्रेशर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। इनफैक्ट इस वैकेंसी में भी अगर आप चाहें तो एज अ किचन हेल्पर या एज अ क्लीनर आप जा सकते हैं, राइट। और जो बैटरी वाला काम है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।